तो आइए हम लोग कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाते हैं। लेट्स से कि मुझे एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें अल्फाबेट सेट तो ए बी है। मान लेते हैं कि हमें जितने भी क्वेश्चन अभी बनाने हैं उसमें अल्फाबेट सेट ए बी है और लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स हैं वो इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं। सो इवन लेंथ की स्ट्रिंग का ये मीनिंग है कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, 4 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, 6 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास ऑलरेडी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए वर्क करता है, और अगर हम इसका क्लोजर ले लें तो ये मीनिंग होगा कि या तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करें, या तो आप 2 लेंथ की स्ट्रिंग सेलेक्ट करें, या तो आप 2 को रिपीट कर दें तो 4 लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी, एक बार और आप रिपीट कर देंगे तो वो 6 लेंथ की स्ट्रिंग हो जाएगी। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ। सिमिलरली अगर आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है ऑड लेंथ स्ट्रिंग का, सो ऑड लेंथ स्ट्रिंग का मीनिंग क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए। ऑड लेंथ की स्ट्रिंग 3 लेंथ का भी हो सकता है, 5 लेंथ का भी हो सकता है, 7 लेंथ का भी हो सकता है। सो आपने ऑलरेडी 0 2 4 8 6 2 4 6 8 का ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आइए सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। सो दिस इज द 2 लेंथ स्ट्रिंग, और इसका अगर आपने क्लोजर लिया तो ये इवन लेंथ की स्ट्रिंग का बताने लगा। इसके बाद अगर आप ए या बी में से एक और सेलेक्ट कर लें सो ये ऑड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि 2 लेंथ की हुई स्ट्रिंग उसमें आपने एक ऐड कर दिया तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग हो गई, 4 लेंथ की स्ट्रिंग हुई और आपने उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 5 लेंथ की हो गई, 6 लेंथ की हुई और उसमें आपने 1 ऐड किया तो ये 7 लेंथ की हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। सो यू कैन सी दैट दिस इज वेरी सिंपल टू डिजाइन। अब मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें कि जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो डिविजिबल होनी चाहिए 3 से। सो स्ट्रिंग लेंथ मॉड 3 इज इक्वल्स टू 0, हमें ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो स्ट्रिंग लेंथ मॉड 3 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि 3 लेंथ की स्ट्रिंग या 6 लेंथ की स्ट्रिंग या 9 लेंथ की स्ट्रिंग या 12 लेंथ की स्ट्रिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि 0 मॉड 3 की वैल्यू 0 आती है, ऑब्वियसली 3 मॉड 3 की वैल्यू भी 0 होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमें जैसे हमने 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए या इवन लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बनाया, वैसे ही हम 3 पार्ट वाला एक रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं, और इसका अगर हम क्लोजर ले लें तो या तो इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, अगर कुछ सेलेक्ट नहीं होगा तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी, अगर इसमें से हम तीनों एलिमेंट को एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3 लेंथ का बना, यही पार्ट अगर हम रिपीट कर दें तो 6 लेंथ का बन जाएगा, इसी पार्ट को हम 3 बार रिपीट करें तो 9 लेंथ का बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज अ वेरी सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रिंग लेंथ मॉड 3 इज इक्वल्स टू 0। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि स्ट्रिंग मॉड लेंथ, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है अगर आप उसका मॉड 3 ले लें सो दिस शुड कम आउट एज 2। सो आपने 0 के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 5 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 8 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 11 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, बिकॉज 2 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2, 5 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2, 8 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2, 11 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2। सो व्हाट डज दिस मीन कि अगर आपने 0 लेंथ की स्ट्रिंग को 0 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बनाया और उसमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, इसी तरह से 3 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बनाया और 2 लेंथ की स्ट्रिंग इसमें ऐड कर दिया, इसी तरह से 6 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बनाया और उसमें 2 ऐड कर दिया, आपने 9 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए बनाया और उसमें 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, तो ये एडिशनल एलिमेंट्स होंगे जो हमने 6 नंबर या प्रीवियस नंबर हमने बनाया है उसी में हम थोड़ा सा एडिशन कर देंगे, और इस लैंग्वेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। सो अगर हमने इसका क्लोजर ले लिया सो दिस इज दी 3 लेंथ, सॉरी मॉड 3 इक्वल्स टू 0 वाली बनी। इसके बाद हमें 2 एलिमेंट्स कॉन्कैटिनेट इसके साथ कर देना है, और इससे हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो बना वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो दिस इज सिंपल टू डिजाइन। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं, एंड लेट्स से द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द रेगुलर एक्सप्रेशन इन विच द नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्टली 2। सो नंबर ऑफ ए इज एग्जैक्टली 2, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो लैंग्वेज है उसमें एज भी होंगे और बी भी होंगे, मेरी स्ट्रिंग ए से भी स्टार्ट हो सकती है, बी से भी स्टार्ट हो सकती है।
मेरे लिए जो कंसर्न है वो एज है, और नंबर ऑफ एज जो है वो एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। तो एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले एज को प्लेस कर लेते हैं। सो 2 एज तो होंगे ही होंगे मेरे स्ट्रिंग में। इसके बाद बी की हम बात करते हैं, तो बी हो सकता है एज के पहले आ जाए, या 2 ए के बीच में आ जाए, या बी हो सकता है कि एंड में आ जाए। और नंबर ऑफ बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसीलिए हमने बी स्टार लगाया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि कितने भी बी हो सकते हैं, कहीं पे भी बीज हो सकते हैं, स्टार्टिंग में हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, और एंड में भी हो सकते हैं। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन वेयर नंबर ऑफ एज एग्जैक्टली 2। आइए अब एक और लैंग्वेज के लिए बनाते हैं, जिसमें कि यहाँ ये कहा गया कि नंबर ऑफ ए इज एटलीस्ट 2। सो इफ इट इज एटलीस्ट 2, इसका मीनिंग ये होता है कि कम से कम तो 2 होंगे, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं दोस्त, और भी हो सकते हैं एज। तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जैक्टली 2 वाला हम लिख लेते हैं। सो दिस इज फॉर एग्जैक्टली 2। अब इसके अलावा कितने भी ए या बी आए, आई डोंट माइंड। सो आपने यहाँ पे ए प्लस बी स्टार लगा दिया। सो दिस मीन्स दैट कि अब इसके बाद कितने भी एज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए का ऑर्डर मुझे पता नहीं है कि ए का ऑर्डर कहाँ होना चाहिए, बी के पहले होना चाहिए, बी के बाद होना चाहिए, बीच में है, एंड में है, स्टार्टिंग में है, तो मुझे नहीं पता। इसलिए हमने इसको ए प्लस बी का स्टार लिख लिया, जिससे कि आप कोई भी स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकें जिसमें नंबर ऑफ ए कम से कम 2 है। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, जहां पे ये कहा गया है कि नंबर ऑफ ए इज एटमोस्ट 2। नंबर ऑफ ए इज एटमोस्ट 2। सो अगर हम एटमोस्ट 2 की बात करेंगे, सो इसका मीनिंग क्या होगा कि मैक्सिमम 2 एज हो सकते हैं, इसके अलावा 0 ए भी हो सकते हैं, 1 ए भी हो सकता है, और 2 एज भी हो सकते हैं। हमारे पास जो बात कही जा रही है वो किसकी बात कही जा रही है, ए की बात कही जा रही है। तो ऐसा लिख लेते हैं एप्सिलॉन प्लस ए, या तो एप्सिलॉन आप सेलेक्ट कर लो या तो ए सेलेक्ट कर लो। नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द पोजीशन ऑफ द बीज। तो बी स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। ओके, सो आप अगर एप्सिलॉन यहां से भी सेलेक्ट करेंगे और एप्सिलॉन यहां से भी सेलेक्ट करेंगे, तो जो स्ट्रिंग बनेगी आपकी उसमें केवल बीज होंगे। अगर आप यहाँ से ए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एप्सिलॉन सेलेक्ट करेंगे, तो एक ए आएगा आपकी स्ट्रिंग में, और अगर आप यहाँ से ए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी ए सेलेक्ट करेंगे, तो 2 एज आएंगे आपकी स्ट्रिंग में। सो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ एज एट मोस्ट 2। सो दिस इज वेरी इजी टू डिजाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।